हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में कोविड-19 के 20,799 नए केस हुए दर्ज, सक्रिय मामले 1% से भी कम। जी हां, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 20,799 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 26,718 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान संक्रमण से 180 लोगों की जान जाने के बाद मरने वाले लोगों की कुल संख्या 4,48,997 हो गई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 2,64,458 है, जो कि कुल मामलों के मुकाबले 0.78% रह गई है। 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे आर्यन खान, पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोए। जी हां, एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि यह पाया गया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। वह अपने यूके और दुबई प्रवास के दौरान भी ड्रग्स पर था। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन खान पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोए। यूपी में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाई कार, 4 किसानों की जान गई। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर अपने कार चढ़ाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 4 किसानों की जान चली गई है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गाँव में किसान 3 कृषि बिलों का विरोध कर रहे थे। वैक्सीन की कीमत कम करने के लिए जाइडस कैडिला से चर्चा कर रही है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला ने कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की 3 खुराक की कीमत के रूप में ₹1900 का प्रस्ताव दिया है, जो कि 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कीमतों में कमी के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बातचीत कर रही है। इस सप्ताह अंतिम फैसला आ सकता है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सीएम योगी बोले, 8 लोगों की मौत पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोरखपुर यात्रा को कम कर दिया, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 2 SUV कथित रूप से कृषि विरोधी कानून प्रदर्शनकारियों के ऊपर चढ़ने के बाद हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा एक वाहन चला रहा था। इस हादसे में अब तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिस पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 2 सप्ताह पहले ही आ सकती है तीसरी कोविड-19 लहर, जारी हुई चेतावनी। जी हां, कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे के साथ ICMR ने कहा कि भारत में एक गंभीर तीसरी लहर की संभावना के साथ इसमें शामिल जोखिमों को पहचानना और कम करना महत्वपूर्ण है। आगंतुकों, निवासियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी की एक साझा भावना समग्र रूप से देश के कल्याण की रक्षा की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम पंजाब के डिप्टी सीएम की फ्लाइट को उतरने से रोक। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, जहां रविवार को हिंसा हुई थी जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे, वहां पर जाने से रोके जाने के कुछ घंटों बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर S. रंधावा की उड़ानों को भी उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी, कहा क्षेत्रीय शांति को नष्ट ना करे चीन। जी हां, ताइवान के पास चीन की गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रविवार को एक बयान में बीजिंग से ताइपे के खिलाफ अपने सैन्य बल को बंद करने के लिए कहा है, और जोर देकर कहा कि कम्युनिस्ट शासन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।